प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर मंडला में आदिवासी विकास पंचवर्षीय योजना का करेंगे ऐलान। आदिवासियों के विकास के लिए मध्य प्रदेश को मिलेंगे 2 लाख करोड़ रुपए। शिवराज कैबिनेट ने स्व सहायता समूहों को 3 लाख के कर्ज पर 3% ब्याज अनुदान को दी मंजूरी। पंचायत सचिवों के वेतनमान संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के काम की माया सिंह करेंगे निगरानी। मलैया करेंगे कर्मचारियों की मांगों का निराकरण। फिटनेस महिला सुरक्षा के लिए चलाएंगी जागरूकता अभियान। सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उन्होंने की मुलाकात। विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। लंबित परियोजना पर मांगा सहयोग। बीजेपी के पूर्व विधायक भीमा मंजावी की राहुल गांधी पर की गई पोस्ट पर कटा बवाल। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गौमूत्र लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ में लोक निर्माण भवन में जनप्रतिनिधि पार्टी पदाधिकारियों से की मुलाकात। तहसील थाना अस्पताल गेहूं क्रय केंद्र मलिन बस्ती का भी किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। गोमती रिवर फ्रंट के रखरखाव को लेकर उठाए सवाल। कवर्धा में नक्सली गतिविधि तेज होने पर कांग्रेस का बीजेपी पर वार। सरकार के विकास के वादे को बताया झूठ। कहा विकास होता तो सीएम का गृह जिला नहीं होता नक्सल प्रभावित। ग्वालियर के राजा मान सिंह संगीत विद्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। परिसर से भारत माता की तस्वीर गायब होने को लेकर काटा बवाल। मेन गेट पर जरा ताला। और सरकार द्वारा मांगे मानी जाने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अंबिकापुर में ढोल नगाड़ों की धुन पर किया डांस तो सूरजपुर में दूसरे को गुलाल लगाकर दी बधाई।